वेलकम टू क्रैकेट। आज आपका करंट में पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त किया है? इसका आंसर है आपका अफ्रीका। ठीक है, पिछले 4 वर्ष से अफ्रीकी क्षेत्र में कोई भी वाइल्ड पोलियो के मामले नहीं हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको पोलियो रोग मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अफ्रीका ने इससे पहले चेचक रोग को भी मिटा दिया था। ठीक, तो वो कौन कौन सा क्षेत्र है? वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, पोलियो रोग से मुक्त घोषित हो गया है अब ये। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? ये है आपका गुजरात। ठीक है, इसमें देखिए जो इंडेक्स था इसमें 4 प्रमुख मापदंडों जैसे नीति, बिजनेस, इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट, इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर राज्यों को रैंक किया गया था। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सबसे ऊपर है। ठीक है, इसके बाद है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप किस कौन है टॉपर इसमें, वो है आपका गुजरात। और किसने जारी किया ये? नीति आयोग ने, EPI 2020। अब चलते हैं क्वेश्चन तीसरे में। क्वेश्चन तीसरा है आपका, सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? इसका नाम है आपका किरण। ठीक है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, उसने ये जारी किया है। टोल फ्री नंबर है जो आपको प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधक के बारे में 13 भाषाओं में, कितनी 13 भाषाओं में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्या नाम है इस हेल्पलाइन का, किरण। अब चलते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन है आपका, आयाती वस्तुओं को क्लियर कराने के बाद उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्या समय सीमा दी गई है? ये आपकी दी गई है 14 दिन की। ठीक है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है CBIC ने हाल ही में घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो PSU हैं को सीमा शुल्क के माध्यम से उनके द्वारा आयात किए गए सामान को पहले क्लियर कराने और फिर 14 दिन के भीतर सीमा शुल्क का भुगतान करने की अनुमति है। ठीक है, कितने, तो इसकी समय सीमा कितनी है? 14 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट आज का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5वां, जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? यह है आपका NSEIT लिमिटेड। ठीक है, जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में GI टैग किए गए कश्मीरी केसर की ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देने और गुणवत्ता केसर तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? NSEIT लिमिटेड। ठीक है,